बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमित जी के साथ ही अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अमित जी और अभिषेक बच्चन दोनों को नानावटी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं ऐश्वर्या और जया बच्चन जी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके मुंबई स्थित बंगले जलसा को सैनिटाइज किया गया और उसे कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील कर दिया गया है। बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें नानावटी अस्पताल और उसके मेडिकल स्टाफ के लोगों की बेहिसाब तारीफ की है। अमित जी ने डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा है, साथ ही कहा कि मैं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के आगे नतमस्तक हूँ। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. Abhi haal hi mein maine Twitter pe ek Surat, Gujarat mein Surat mein ek billboard laga hua tha jisme likha tha ki aapko maloom hai mandir kyun band hain, kyunki bhagwan jo hai safed coat pehenkar aspatalon mein kaam kar rahe hain। आप जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके फैंस दोनों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर विशेष अभिषेक और पूजन हुआ। वहीं मुंबई स्थित मंदिर में भी दोनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। Mm-hmm.